इस बार संसद में नहीं दिखेंगे यूपी के 55 फेमस चेहरे। कोई चुनाव हारा तो किसी के साथ हुआ खेला, मेनका स्मृति भी बाहर, आशीष त्रिवेदी। 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 55 चेहरे इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। कारण, इन 55 चेहरों में वे पूर्व सांसद शामिल हैं जिन्हें या तो पार्टी की तरफ से टिकट ही नहीं मिला या फिर वे चुनाव हार गए हैं। 8 बार की सांसद मेनका गांधी भी अब सदन में नहीं दिखेंगे। वैसे तो वह वर्ष 1989 में सांसद बनी थी, लेकिन वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव हार गई थी। फिर वर्ष 1996 में 11वें सत्र में लोकसभा चुनाव तक वे लगातार जीती रहीं। इस बार वे सुल्तानपुर से चुनाव हार गई हैं। मेनका के साथ ही उनके पुत्र वरुण गांधी भी इस लोकसभा में नहीं दिखेंगे। भाजपा ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया था। दूसरे दिग्गज 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया था। हालांकि बरेली सीट पर भाजपा के ही छत्रसाल सिंह गंगवार ने कमल खिला दिया है। रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं लड़ी, उनके बेटे राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बीते दिनों निधन हो गया। इस सीट से उनके पौत्र जियाउर रहमान सपा के टिकट पर लड़े और जीते। मुरादाबाद से सपा के सांसद एचटी हसन को टिकट नहीं मिला। सपा से रुचि वीरा लड़ी और जीत गईं। इलाहाबाद से प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट कर नीरज त्रिपाठी को दिया गया और वे चुनाव हार गए। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप में घिरे ब्रजभूषण सलन सिंह भी इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। भाजपा ने कैसरगंज सीट से उनके स्थान पर बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया और वे जीते। एनडीए सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें खीरी से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, फतेहपुर से केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। जालौन से केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और मुजफ्फरनगर से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान हारे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया एटा से चुनाव हार गए। गाजियाबाद से भाजपा ने वीके सिंह का टिकट काट दिया था। सिर्फ ये 25 सांसद इस बार भी लोकसभा में दिखेंगे। 17वीं लोकसभा के 25 सांसद ही 18वीं लोकसभा में दिखेंगे। इनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव, बुलंदशहर से भाजपा के भोला सिंह, अलीगढ़ से भाजपा के सतीश गौतम, मथुरा से भाजपा की हेमा मालिनी, आगरा से भाजपा के एसपी सिंह बघेल, शाहजहांपुर से भाजपा के अरुण कुमार सागर, हरदोई से भाजपा के जयप्रकाश, मिश्रिख से भाजपा के अशोक कुमार रावत, उन्नाव से सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, लखनऊ से निवर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, झांसी से भाजपा के अनुराग शर्मा, श्रावस्ती से सपा के राम शिरोमणि वर्मा जो पहले बसपा से जीते थे, डुमरियागंज से भाजपा के जगदम्बिका पाल, गोंडा से भाजपा के कीर्तिवर्धन सिंह, महाराजगंज से भाजपा की पंकज चौधरी, गोरखपुर से भाजपा के रवि किशन, कुशीनगर से भाजपा के विजय कुमार दुबे, बांसगांव से भाजपा के कमलेश पासवान, फतेहपुर सीकरी से भाजपा के राजकुमार चाहर, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, गाजीपुर से सपा के अफजल अंसारी जो पहले बसपा से सांसद थे और मिर्जापुर से अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हैं।